नमस्कार दोस्तों, आप सबका प्रमोद पाठक मार्शल आर्ट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि सर मार्शल आर्टिस्ट का डाइट कैसा होना चाहिए, तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं वो काफी खास है, क्योंकि सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट के लिए नहीं, आम व्यक्ति जो जीवन में सफल होना चाहते, मजबूत बनना चाहते, अपने शरीर में ताकत रखना चाहते, रोगों से लड़ना चाहते और जीवन को बहुत ही आनंद से बिताना चाहते, उनके लिए साथी और मार्शल आर्टिस्ट भी हो तो और अच्छी बात है। आज मैं सिर्फ नाश्ते की बात करूंगा, ब्रेकफास्ट में नाश्ते में कैसा डाइट होना चाहिए आपका। इसके बाद दूसरे वीडियो में फिर मैं दोपहर का खाने का, फिर शाम के खाने का नाश्ता जो होता है हल्का सा, सफर जिसे कहते हैं, शाम का हल्का नाश्ता, उसके बाद फिर रात में डिनर में क्या खाना है, ये अगले वीडियो में मैं लेकर क्या होगा। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिए, पैशन के साथ सुनिए, देखिए और कोशिश कीजिए कि इसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे फिजिक को बनाने में, हमारे अंदर एनर्जी लाने में, दिन भर एनर्जेटिक रखने में, ताकि हम सारा जो आपका रूटीन वर्क है उसे अच्छे ढंग से कर सके और अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस आप दे सके। चाहे आप किसी भी फील्ड में वर्क करते हो, स्टूडेंट हो, ऑफिस में वर्क करते हो, घर की महिलाएं हो, कामकाजी महिलाएं हो, या फिर किसान हो, मजदूर हो, या फिर आम व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई भी हो सकते, सबके लिए खाना जरूरी है। आप जानते हैं कि अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट होगा तो हम एनर्जेटिक रहेंगे, अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं, मार्शल आर्टिस्ट हो तो अच्छे ढंग से मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मर बन सकते हैं और टूर्नामेंट में आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन गेम और ओलंपिक तक में मेडल ला सकते हैं। तो मैं नाश्ते की बात करता हूं। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि रात में जब आप खाना खाते हैं 9 बजे 10 बजे और पूरी रात आराम करते हैं, पूरी रात जब आप सो करके सुबह उठते हैं, तो जो खाने का जो हमारा ड्यूरेशन था वो फास्टिंग का ड्यूरेशन था लगभग 12 घंटे का होता है। जिसे हम ब्रेक करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता लेते हैं, तो उसे हम ब्रेक करते हैं। क्या किस चीज का ब्रेक करते हैं कि हमारा फास्टिंग जो था रात के खाने से लेकर सुबह का नाश्ते तक के बीच का जो फास्टिंग था उसे ब्रेक कहते हैं, इसलिए इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो दोस्तों, कहा गया है कि सुबह का नाश्ता राजकुमार की तरह होनी चाहिए, यानी कि जितना हेल्दी चीजें, हेल्दी डाइट है, सब कुछ उसमें होनी चाहिए। आप जानते हैं कि हेल्दी डाइट क्या है। सुबह सुबह जब आप उठिए तो तांबे का बर्तन में आप रात भर में पानी रखें, उसे अच्छे ढंग से धो करके सुबह उसको ढक के रखें और सुबह तांबे का बर्तन का पानी 3-4 गिलास पानी आप पी लें, उसके बाद आप फ्रेश होने जाएं, तो मेरा दावा है कि पेट की कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। और जब पेट की बीमारी नहीं होगी तो शरीर में क्या मजाल की कोई बीमारी आप पे अटैक कर दे, ये सबसे अच्छी दवा है। और सुबह सुबह आप टहलने जाएं, मॉर्निंग वॉक में जाएं, योगा करें, खुले स्थान में मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक कहावत है कि 100 दवा एक तरफ और सुबह की हवा एक तरफ, यानी कि सुबह सुबह जब आप सैर में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं, प्रैक्टिस करने जाते हैं, साइकिलिंग करने जाते हैं, खुली छत या बागान पर बैठ करके, बाग में बगीचे में बैठ करके आप योगासन करते हैं, तो खुली हवा जो सुबह की होती है इतनी ताकत उसमें कि आप बॉडी बनाने का, एनर्जी बनाने का 100 दवा खा रहे हो सब बेकार है। सुबह का एक हवा उस सारे दवाओं पे भारी पड़ता है। यदि आप बीमार हो और उसे ठीक करने के लिए 100 दवाएं खा रहे हो, वो सारी दवाएं किनारे हो जाएंगी सिर्फ सुबह का सैर कर, सुबह का एक हवा ले। इसलिए मैं कहता हूं कि 100 दवा एक तरफ और सुबह की हवा एक तरफ।
तो आप अपने रूटीन में इसे शामिल करें। उसके बाद रात में आप 5-6 चीजों को भिगो करके रख दें, जैसे चना है, सोयाबीन का दाना, छोटा सोयाबीन जो आता है व्हाइट कलर का, वो सब्जी वाला सोयाबीन नहीं, सोयाबीन का दाना था, व्हाइट कलर का छोटा छोटा दाना होता है, बहुत एनर्जी है उसमें, सोयाबीन का दाना ले लें, मूंगफली ले लें, हरी मूंग जो गोटा मूंग होता है उसे ले लें, और 5-10 दाना गेहूं, ये सभी चीजों को 10-10, 20-20 दाने आप रात में एक कटोरी में रख के उसे 2-4 बार पानी से अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें ताकि उसमें कोई गंदगी ना बचे। उसके बाद उसे रात में आप कटोरी में भिगो करके रख दें, सुबह हो पानी और उसे ढक के रखें, सुबह जब आप उठेंगे तो पूरी तरह से वो पानी प्रोटीन से भरा हुआ होगा, विटामिन से भरा हुआ होगा, उसे आप पी लें। उसके बाद 4 पीस खजूर और लगभग 100 ग्राम चना होगा आपके पास, वो जो सारा मिक्सअप है, उस सारी चीजों को आप खा लें, गुड़ के साथ आप खा सकते हैं। यदि आप नमकीन पसंद करते हो तो आप प्याज सलाद वगैरह डाल करके उसे बना करके अच्छे से खा लीजिए, काफी प्रोटीन है इसमें। 250 ग्राम यदि आप खाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और 1 गिलास दूध, ऑमलेट खाते हैं तो ऑमलेट, ब्रेड तो बिस्किट, या फिर चपाती लेते हो आप तो ले लें। इसके बाद इतना विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें आ गया आपका कि फिर दिन भर आप कुछ भी नहीं खाते हैं तो अभी आप एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन एक और जो काफी पावरफुल नाश्ता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, काफी ध्यान से सुनिए। हलवा, हलवा सुनते ही आपको अपनी बचपन याद आ गई, हलवा का चलन अब खत्म हो चुका है, अब हलवे के जगह पे लोग फास्ट फूड को पसंद करते हैं, चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर, जो कि सेहत के लिए काफी खतरनाक है, हानिकारक है। मैं बच्चों से खास करके रिक्वेस्ट करता हूं, मार्शल आर्टिस्ट से, कि कभी भी आप फास्ट फूड का सेवन नहीं करेंगे, ये सेहत के लिए काफी खतरनाक है। 3 चीजें यदि संभव हो तो अपने जीवन से आप हटा दें, चीनी, मैदा और नमक। ये तीनों हमारे जीवन में इस तरह से हावी हैं कि जो भी चीजें बाजार में उपलब्ध है या घर में बनती हैं, ये तीनों चीजें उसमें रहती ही रहती हैं। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, चीनी, मैदा और नमक, इसे यदि आप अपने जीवन से दूर कर दिए तो मेरा दावा है कि कभी भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हलवा, आटे का हलवा, और वो भी प्योर घी से, वो भी देसी गाय का घी, कोशिश कीजिए कि घर में यदि हो, अपने से घी बना रहे हो तो द बेस्ट, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप किसी ग्वाले के यहां से ला रहे हो तो उसे बोलिए कि मुझे ओरिजिनल गाय का घी चाहिए, और यदि ओरिजिनल गाय का घी होगा, उस घी की बात नहीं कर रहा हूं, बाजार में भी उपलब्ध है, कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल घी का सेवन करें और उससे आटे का हलवा बनाए। गाजर का हलवा भी घी से भूज करके, ये 2 चीजें इतनी पावरफुल है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि 1 महीने में